हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट मिल्क क्वालिटीज टेस्ट विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। एंड फ्रॉम दिस टॉपिक इन द लास्ट ईयर देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम द मिल्क क्वालिटी टेस्ट इन IBPS AFO मेन्स एग्जाम। सो लेट्स डिस्कस वट आर द different procedures or different types from which we can test the quality of milk as well as the stability of the milk. So let's see. The first one is COB test, means clot on boil test, and this test is used to know the stability against the heat ke against jo milk ki stability hai usko check karne ke liye ye test use kiya jata hai. In this test around 5 to 10 ml of milk 5 to 10 ml of milk sample is used, and the milk is put inside the flask, and after putting the milk into the flask it heat it by using the burner or flame. After this, if there is a formation of flakes or we can say clots, it indicates that it developed high acidity. It means if we burn the milk, if there is a flakes or clots formation, so it indicates the high acidity. So basically here the result comes that this milk is unsuitable for pasteurization. Means in this test, if milk forms the higher amount of clots or flakes, so that milk will not be suitable for the pasteurization. Second method is fat test, and in this test it is also known as Zerber's test. In this test there is an acid H2SO4 is used, H2SO4, which is also known as sulfuric acid is used, as well as amyl alcohol is also used. So basically yahan par kya karte hain, 10.7 ml of milk is used, 10.7 ml of milk sample. This is important because it's fixed, the amount of milk sample is fixed, that is 10.7 ml, and 10 ml of H2SO4 is used, plus 1 ml of amyl alcohol is also used. Let's see step by step. Firstly, we add the 10.75 ml of milk inside a pipette ke through isko transfer kiya jata hai. There is a device which is known as butyrometer, BETYRO, ब्यूटायरोमीटर. तो मिल्क का जो सैंपल है पहले इसमें ट्रांसफर किया जाता है, देन वी पुट 1 ml ऑफ एमाइल एल्कोहल इन दिस. एमाइल एल्कोहल ऐड करने के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है वाटर बाथ में, और इसके साथ साथ इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. ये सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है अराउंड 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के लिए इसकी स्पीड भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, एट स्पीड ऑफ 1100 RPM. 1100 RPM पे 5 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. तो उसके बाद जो ये हमने इंडिकेटर डाला था एमाइल एल्कोहल क्या करता है, जो फैट है मिल्क में उसको मिल्क से सेपरेट कर देता है, और जो फैट का कंटेंट है उसको मेज़र कर लिया जाता है. सो दिस इज द मेथड फॉर फैट कंटेंट एस्टिमेशन इन द मिल्क. The next method is Hansa test, HANSA, Hansa test. It is important for objective type question because it is used to detect the adulteration of buffalo milk in cow milk. Buffalo milk ka cow milk mein adulteration agar hota hai to ye test use kiya jata hai, Hansa test. So it is important for objective type question. Another one is iodine test.
एंड आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द स्टार्च कंटेंट इन द मिल्क. स्टार्च कंटेंट को मेजर करने के लिए आयोडीन टेस्ट का यूज़ किया जाता है. अनदर वन इज रिसेजुरिन रिडक्शन टेस्ट. इट इज़ इम्पोर्टेंट, वी कैन से रिसेजुरिन रिडक्शन टेस्ट. इन शॉर्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज RRT टेस्ट. सो बेसिकली वट वी डू हेयर इज इट इज़ फॉर द रैपिड बैक्टीरिया एस्टिमेशन. बैक्टीरिया के एस्टिमेशन के लिए ये इनडायरेक्टली जो बैक्टीरिया का है एस्टिमेशन करता है. तो हम देखते हैं कि इस मेथड में किया क्या जाता है. इसमें बेसिकली 10 मिनट 3 घंटे या 1 घंटे के लिए इसमें यह जो एक डाई होता है जिसका नाम है रिसेजुरिन डाई, रिसेजुरिन, तो इसका यूज़ किया जाता है जैसे मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज़ किया जाता है ना रिडक्शन के लिए. तो सेम यहाँ भी एक डाई है रिसेजुरिन, इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज दिस मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट और वी कैन से टू चेक द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द मिल्क. क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का अगर टेस्ट करना है तो रिसेजुरिन टेस्ट का यूज़ किया जाता है. इसमें रिडक्शन किया जाता है और अकॉर्डिंगली जो मिल्क का हमने सैंपल लिया उसमें कलर चेंज आता है. तो एक कलर चार्ट है उसे मैच करके यहाँ पर पता लगाया जाता है कि जो मिल्क की क्वालिटी है या बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी वो क्या है, वो उससे मेज़र किया जाता है. कितना टाइम लग रहा है रिडक्शन होने में या कलर चेंज होने में, जितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मिल्क का क्वालिटी और उसका कंसिस्टेंसी मेज़र किया जाता है. और एक और है यहाँ पर टेस्ट, उसका नाम है मिथाइलिन ब्लू जिसकी हम बात कर रहे थे. और शॉर्ट में अगर हम बोले तो MBRT, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट. यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज़ किया जाता है. जितना जल्दी डिकलराइजेशन होगा मिल्क का तो मान लीजिए उतनी ही इन्फीरियर क्वालिटी है. यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू डाई का, उसको रिएक्ट किया जाता है मिल्क सैंपल के साथ. तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, सूनर डिकलराइजेशन मीन्स जितने जल्दी डिकलराइजेशन होगा उतनी ही मिल्क की क्वालिटी क्या होगी, इन्फीरियर होगी, उतनी ही मिल्क की क्वालिटी इन्फीरियर होगी. और यहाँ पर BIS के भी स्टैंडर्ड्स हैं वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जा सकते हैं कि BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो MBRT यानी कि मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट में कितना टाइम लग रहा है. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है. एक कॉलम है आपका MBRT टेस्ट, इसमें कितना टाइम लग रहा है इन आवर्स एंड कैटेगरी ऑफ द मिल्क. अगर मान लीजिए आपका लग रहा है 5 आवर्स से ज़्यादा, 5 या 5 आवर्स से ज़्यादा लग रहा है, मीन्स जो मिल्क है वो वेरी गुड वाली कैटेगरी में आएगा. अगर मान लीजिए आपका टाइम लग रहा है 3 to 4 आवर्स तो ये आएगा आपका गुड मिल्क वाली कैटेगरी में. अगर 1 से 2 घंटे लग रहे हैं तो आपका फेयर क्वालिटी होगी. इफ़ 1/2 आवर्स या इससे कम टाइम में ही डिकलराइजेशन हो जा रहा है, मीन्स जो मिल्क की क्वालिटी है वो क्या है, पुअर है. अब आते हैं लास्ट टेस्ट में जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट. अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ये AFO का जो हमारा एग्ज़ाम था मेंस का 2022, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा गया था. और क्वेश्चन ये था कि जो अगर हमको चेक करना है पास्चराइजेशन की एडिक्वलिटी तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है. तो उसका राइट आंसर था अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट. सो बेसिकली इट इंडिकेट्स वेदर द मिल्क हैज़ बीन एडिक्वेटली पास्चराइज्ड और नॉट. अच्छे से वो पास्चराइज हुआ है या नहीं हुआ है, या बोल लें कि पास्चराइजेशन के बाद उसमें कुछ कंटेमिनेशन हुआ है रॉ मिल्क के साथ, तो ये चेक करने के लिए अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट यूज़ किया जाता है. अल्कलाइन फॉस्फेट इज़ ए एंजाइम, ये एक एंजाइम है जो कि मिल्क में पाया जाता है, रॉ मिल्क में पाया जाता है. होता क्या है कि जो ये अल्कलाइन फॉस्फेट होता है ये एंजाइम, ये हाइयर टेम्परेचर या बोल लें जो पास्चराइजेशन का टेम्परेचर होता है उस पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. अगर मान लीजिए एंजाइम मिल्क में प्रेजेंट है तो ये एक फिनॉल का फॉर्मेशन करता है और एक येलो कॉम्प्लेक्स, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है और मिल्क में येलो कलर आता है. तो ये इंडिकेट करता है कि जो दूध है उसका अच्छे से पास्चराइजेशन नहीं हुआ है. तो दोस्तों ये कुछ मेथड्स थी जिससे मिल्क की क्वालिटी और उसके टेस्ट किए जाते हैं. आई होप ये हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में. और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.